नमस्कार दोस्तों, एक एम इन्फोटेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर या आपके पास कोई भी लैपटॉप हो उसका डेस्कटॉप बैकग्राउंड या जो वॉलपेपर है वो कैसे चेंज करते हैं। जी हाँ, ये हमारे एक एम इन्फोटेक के जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो हमारा प्रोग्राम है उसका ये चैप्टर नंबर 1 है। इसमें आपको बताया जाएगा कि वॉलपेपर कंप्यूटर का कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे माइक ये स्टार्ट मेन्यू में कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपको अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद वो एक बार फिर से आपको पर्सनलाइजेशन टैब पर दोबारा क्लिक करना है। ये क्लिक कर दिया। इसके बाद ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये ढेर सारे बैकग्राउंड आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इनमें से कोई भी आप बैकग्राउंड चुन सकते हैं। जैसे ये मुझे लगाना है डेस्कटॉप पर, तो ये इस पर मैंने क्लिक कर दिया और सेव चेंज पर क्लिक कर दिया। तो ये देख लीजिए, इसको मिनिमाइज करके देख लीजिए, आपका वॉलपेपर जो डेस्कटॉप पर वॉलपेपर है वो चेंज हो चुका है, बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। वापस जाएं आप उसमें ही, तो मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, स्टार्ट में जाना है, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है, फिर अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करना है, फिर वापस से पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में वापस डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर जाना है। इसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा, जैसे पिक्चर पोजिशन, यहाँ से पिक्चर पोजिशन चूज कर सकते हैं आप। टाइटल कर देंगे तो ये ढेर सारी फोटोज आएगी वैसे ही। अगर आप फिट कर देंगे तो वही फ़ोटो फिट हो जाएगी, जैसे सेव चेंज कर दिया मैंने, और ये देख लीजिए वही फ़ोटो जितनी साइज की थी उसमें फिट हो जाएगी। अगर आप स्ट्रेच कर देंगे इससे, ये देख लीजिए पिक्चर पोजीशन, और मैं स्ट्रेच कर देता हूँ, ये स्ट्रेच कर दिया मैंने और सेव चेंज कर दिया। अब आप देख लीजिए ये जो भी फ़ोटो जितनी भी है पूरी जितनी भी इसके साइज हो, छोटी हो या बड़ी हो, पूरे में फैल जाएगी फटकर कैसे भी। ठीक है, तो ये स्ट्रेच हो गई। इसके बाद में ये हमारा हुआ डेस्कटॉप। इसके बाद में आपको कुछ और भी बता देता हूँ, जैसे आप सोचे कि आप खुद की फ़ोटो लगाना चाहें तो आप यहाँ से देख लीजिए, ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे, ब्राउज़ पर क्लिक किया, जो भी आपके फ़ोटो है कहीं पर भी, जैसे मेरी फ़ोटो कोई भी ले लूँ, मैं पिक्चर्स में से फ़ोटो ले लूँ, माई पिक्चर्स, और ये यहाँ से मैं फ़ोटो ले लूँ, ये पिक्चर्स पर क्लिक किया, ओके दबा दिया, तो ये कोई सी भी फ़ोटो में ले सकता हूँ, जैसे ये मेरी फ़ोटो है या ये मेरी फ़ोटो, कोई सी भी फ़ोटो में ले सकता हूँ। इस पर क्लिक किया और इसको डेस्कटॉप वॉलपेपर लगाने के लिए सेव चेंज पर मैंने क्लिक कर दिया। अब देख सकते हैं वो फ़ोटो आ चुकी है और स्ट्रेच हो गई है, क्योंकि हमने सेटिंग में स्ट्रेच कर रखा था। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, यानी कि डेस्कटॉप वॉलपेपर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका मैं एक आपको शॉर्टकट उपाय बता दूं कि शॉर्टकट तरीके से आप कैसे डेस्कटॉप वॉलपेपर या अपने कंप्यूटर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो ये देख लीजिए, या आप डेस्कटॉप से डायरेक्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर देख लीजिए कहीं भी खाली जगह हो, ये देख लीजिए, यानी कि मेरा कहने का मतलब है जहाँ पर आइकन ना हो, यहाँ पर आइकन नहीं है, खाली जगह है, यहाँ पर हमको राइट क्लिक करना है, तो ये देख लीजिए मैंने राइट क्लिक कर दिया है, और राइट क्लिक करने के बाद ये पॉपअप मेन्यू खुलेगा, इससे हमें पर्सनलाइज जो है ये चुनना है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो देख लीजिए वापस वो पर्सनलाइजेशन टैब जो है वो खुल गया है, और डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर जाना है और यहाँ से हमें चेंज कर देना है। ठीक, ये हुआ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और भी हमारे कई वीडियो जो आप मतलब कि पसंद आएंगे आपको, हमें आशा है, तो हमारे नए जो यूट्यूब चैनल है AKM इन्फोटेक, उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक भी करें, हमारे वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद आए। और भी हमने कई वीडियो बनाए हैं, आप देखें उन्हें ज़रूर और अपने कई दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।